नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपर जिला अधिकारी प्रशासन का विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से कलेक्ट्रेट में मनाया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मी शंकर सिंह का व्यवहार बहुत ही सरल है, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में बहुत मज़ा आया है। आज सर का विदाई समारोह है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे बीच से एक ऐसा अधिकारी जा रहा है जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। वहीं दूसरी ओर अपर जिला अधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर जी का कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी गण ने फूल माला पहनाकर और वाह भेंट देकर उनका स्वागत किया। ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा और मैं इसी परिवेश को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करें सीधार भेरी मंचासीन कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी अरविंद वर्मा जी, लेखपाल संघ के अध्यक्ष चौहान साहब और हमारे सहयोगी अधिकारीगण, सम्माननीय उप जिलाधिकारी गण और यहाँ पर हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सतीश वारसी जी, ओमीलाल वाल्मीकि जी और विभिन्न संगठनों से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण और हमारे कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सहयोगी कर्मचारीगण, आज हम लोग अपने अच्छे अधिकारी की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप होने वाले विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं और उनको हम अपने कलेक्ट्रेट परिवार से आज सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उनको विदाई दे रहे हैं। निसंदेह यहाँ पे मेरे से पूर्व में जिन वक्ताओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी, उन्होंने एडीएम साहब की कार्यप्रणाली के बारे में, कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में, जनता और जनमानस के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, बहुत सारे उनके कार्य के पहलुओं को यहाँ पे छुआ है। निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले जून में जो है एडीएम साहब ने ज्वाइन किया था, जून 17 में, और वो भी लगभग तीन साल सात महीने का कार्यकाल जो है इस जनपद में पूरा कर चुके हैं। उनका इवन एसडीएम के बाद का सबसे लंबा कार्यकाल जो है मुरादाबाद होगा जहां तक है। तो निश्चित रूप से जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे मुरादाबाद में मैं कभी ना तो एसडीएम के रूप में कभी यहाँ पे रहा, ना ही किसी अन्य भूमिका का निर्वहन मैंने यहाँ किया था, लेकिन जिले में लोग बहुत ही समझदार लोग हैं। अगर अनावश्यक किसी को परेशान करने की नियति ना हो और लोगों को सहयोग करने की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो इससे बेहतर जिला नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो है जो हम लोगों की भूमिका है, एक तरह से जो कलेक्ट्रेट होता है ये शासन का जिला लेवल पे शासन का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम लोगों को शासन की जो नीतियां हैं, शासन के जो कार्यक्रम हैं, शासन के जो आदेश हैं, उनको जो है हमें पालन करना होता है। स्थिति रही है सर, 3 साल 3.5 साल आपने यहाँ काम किया है। मेरे लिए मुरादाबाद बहुत लकी जिला है और मैंने यहाँ बहुत कुछ अर्जित किया, बहुत कुछ लोगों को दिया। सबसे बड़ा चीज़ मैंने ये पाया कि यहाँ लोगों का विश्वास मैंने जीता और बहुत विषम परिस्थितियों में लोगों को सेवा करने का, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और बहुत लोग मुझसे ऐसे ऐसे जुड़े कि जो बिल्कुल परेशान हालत में थे और जो कभी कलेक्ट्रेट देखा भी नहीं था, वो लोग भी जुड़े और उनकी हम लोगों ने बड़ी मदद की और उनकी भावनाओं को हम लोगों ने
सुख पहुंचा करके और एक कलेक्ट्रेट परिवार का एक प्रशासन का विश्वास अर्जित किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं, मैं मुरादाबाद में एक चीज़ और मैंने किया, मैंने लोगों को अपने नंबर्स दिए, मैंने कहा आप अपनी जो भी तकलीफ हो व्हाट्सएप पर अपने शेयर कर दीजिए, पास चाहिए पास शेयर कर दीजिए। मेरी इलेक्ट्रॉनिक टीम है, EDM की टीम है, EDM को मैं फॉरवर्ड कर देता था, मैं कहता था कि इसको भाई ऑनलाइन करा करके इसका पास बना दीजिए, ये लोग पास बना देते थे, हम ऑनलाइन उसको भेज देते थे, प्रिंट निकाल करके जहाँ जाना चाहता था चला जाता था। एक बहुत बड़ा उसको सुख की अनुभूत होती थी, लोग थैंक्स भी लिख कर भेजते थे, कुछ अपनी एक अपना अनुभव भी लिख कर भेजते थे। तो हम लोगों ने बहुत विषम परिस्थितियों में जनता की सेवा की और ईश्वर ने हम लोगों को शक्ति प्रदान की, प्रशासन से भी जो उत्तर प्रदेश शासन के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, जो मार्गदर्शन था उसके अनुसार काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है उसको हम लोग बनाने में, विश्वास लोगों का विश्वास अर्जित करने में मैं समझता हूं कि आप लोग मूल्यांकन करते हैं। हम लोग यथासंभव एक प्रयास था और जो मैं समझता हूं कि सफल रहा। सर, नई युवा पीढ़ी से क्या किस तरीके मैं नए जो हमारे अधिकारी हैं सबसे मैं यही कहता हूं कि लिसनिंग भाव, पहली चीज़ लिसनिंग मोड में रहो, सुनने की आदत डालो और सीख करके उसके बाद उसका निस्तारण करो, यही मेरा आगे के विचार। मैं आप जैसे रिटायर हो गए हैं सर, उसमें आगे क्या करना चाहेंगे? मैं आगे के समय में मैं अपने चाहूँगा कि लोगों की सेवा करते हुए मेरा अच्छा समय बीते और मैं अपनी सेवा में सेहत से संतुष्ट ठीक रहूं, ईश्वर मुझे स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित रखें, मैं परिवार के साथ मैं प्रसन्नचित रहूं और मैं अपने परिवार को समय दे सकूं और जो भी लोगों की मैं सेवा करने योग्य हूं मैं सेवा करता रहूं अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से।